मैं राजेश कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला में 9वीं से 12वीं कक्षा में साइंस विषय को पढ़ा रहा हूँ। हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है, उसके लिए हमने ये डोमेस्टिक सर्किट का निर्माण किया। यह मॉडल 9वीं से 12वीं तक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित विभिन्न विषय को कवर कर रहा है। इस मॉडल के निर्माण के लिए हमने पहले एक कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर पहले हमने ये विभिन्न वायर्स जो हैं उनको अटैच किया है और इसके साथ साथ जो स्विच बोर्ड है ये स्विचेस का जो है कनेक्शन, साथ में हमने कुछ LEDs और ये एक इलेक्ट्रिक मोटर उसको हमने अटैच कर रखा है। इसके अंदर हमने इसको हमने ऑपरेट करवाने के लिए एक 9 वोल्ट की बैटरी उसका इस्तेमाल किया है। जब मैं कक्षा के अंदर बच्चों को डोमेस्टिक सर्किट के बारे में जानकारी दे रहा था ब्लैक बोर्ड के जरिए, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को बिल्कुल भी बच्चों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इस मॉडल के प्रयोग से बच्चों को ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे मैंने उनको ये करके दिखाया कि जैसे हम यहाँ पे ये लाइव वायर है ये न्यूट्रल वायर है, जैसे ही हम यहाँ से इस स्विच को ऑन करते हैं तो इसको यहाँ पे 0 और यहाँ से उसको 220 वोल्ट जब मिलता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और एक करंट फ्लो करता है और जिससे ये ग्लो करता है, और ऐसे ही सारे उपकरण के बारे में बताया और इसके साथ साथ उनको ये जानकारी दी कि सभी जो उपकरण हैं वो समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। इस मॉडल के बारे में जानकारी देने के बाद बच्चों को मैंने ये फन किट जो है वो प्रोवाइड की जो बिल्कुल इसी के भांति काम कर रही है, और उनको पहले इसके बारे में समझाने के बाद उनके ग्रुप्स बना दिए गए और बच्चों ने ग्रुप्स के अंदर अपने इन सब किट्स को जोड़कर और उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट्स को करके देखा। क्योंकि जब डोमेस्टिक सर्किट को क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की मदद से पढ़ाया जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ इसको क्रैम कर रहे हैं। मैंने जब इस मॉडल के माध्यम से उनको बताने की कोशिश की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनको अब कॉन्सेप्ट हैं वो भली भांति क्लियर हो रहे हैं कि जैसे फेस वायर के बारे में, न्यूट्रल वायर के बारे में, अर्थिंग वायर जो है, अर्थ वायर जो है उसका क्या काम है, और इससे संबंधित जैसे फ्यूज़ है वो कैसे काम कर रहा है इलेक्ट्रिक मीटर्स में, और जो ये अलग अलग उपकरण हैं वो घर में समानांतर क्रम में कैसे जुड़े हुए हैं। जब ये कॉन्सेप्ट उनको इस वर्किंग मॉडल की मदद से बताए गए तो वो बच्चे जो थे उनको वो बिल्कुल ऐसा लगा कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, और इससे मुझे एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली।